नेहरू युवा केंद्र सिवनी से और मैं राष्ट्रीय युवा संसद 2019 के लिए स्वच्छता अभियान के ऊपर बोलना चाह रहा हूँ। और स्वच्छता अभियान हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी कहे थे कि स्वतंत्रता से कहीं अधिक हमारे लिए स्वच्छता है, क्योंकि स्वच्छता के कारण ही आज भारत में शिक्षा के कारण कमी, स्वच्छता की कमी, स्वास्थ्य की कमी के कारण ही आज भारत एक विकासशील देश है। विकसित देश बनने के लिए इस सब कमी को दूर करना होगा। स्वच्छता को हमें बनाए रखने के लिए, बनाने के लिए हमें गांव, गली, मोहल्ले, कस्बे में जाकर लोगों के अंदर एक अलग जगाना होगा। स्वच्छता अभियान का एक सपना जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देखा, महात्मा गांधी ने देखा, और हमारे देश के एक एक नौजवानों ने और एक एक नागरिकों ने जो सपना देखा है देश को स्वच्छ बनाना है। क्योंकि देश को स्वच्छ बनाने के लिए हमें घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में साफ सफाई करना होगा, और देश में लोगों के अंदर एक अलग जगाना होगा कि स्वच्छता ही व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास करता है, और स्वच्छता ही विश्व स्तर में हमें एक अच्छा एक स्थान प्रदान करता है। हम सबका यही सपना है, स्वच्छ भारत अपना है, स्वच्छ भारत अपना है। करो कुछ ऐसा काम, करो कुछ ऐसा काम कि विश्व में हो भारत का शान, विश्व में हो भारत की शान। तो स्वच्छता अभियान में हमको अनेकों छोटे छोटे कामों को करना है। छोटे छोटी कचरों हो, चाहे अपशिष्ट कचरे हो, चाहे गंदगी हो, उनको साफ सफाई करके एक अच्छा स्वच्छ वातावरण तैयार करके देश का एक नाम करना है। क्योंकि स्वच्छता बहुत जरूरी है, हमारे चारों तरफ हमारा स्वच्छ वातावरण हो। तो अब हम सब भारतीयों ने मन में ठाना है पूरे भारत को स्वच्छ बनाना है, और कदम से कदम मिलाना है, स्वच्छ भारत बनाना है, स्वच्छ भारत बनाना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय।